हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की सिंड्रेला मीना कुमारी की। एक ऐसी सिंड्रेला, एक ऐसी एंजल जो सबका भला करना चाहती थी, मगर अफसोस कि इस फेर में उन्होंने अपने जीवन को दर्द का समंदर बना दिया। यह दास्तान है एक ऐसी अदाकारा की जिसकी खूबसूरती और अदा के आगे दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे कलाकार भी अपना डायलॉग भूल जाते थे। हिंदी सिनेमा की पहली भाव प्रवण अभिनेत्री जिसे ट्रेजेडी क्वीन का नाम दिया गया, यकीनन वह अपने जीवन में भी ट्रेजेडी क्वीन ही थी। यह कहानी है चंदन और मंजू की। बहुत कम लोग जानते हैं कि मीना कुमारी कमाल अमरोही को चंदन कहती थी और कमाल साहब उन्हें मंजू कहकर पुकारते थे। क्या वजह थी इसकी? दरअसल मीना जी की कटी उंगली ने मंजू और चंदन को दिल से जोड़ दिया था। यह भावनात्मक रिश्ता जुड़ा था एक दुर्घटना से। कमाल साहब मीना जी को देखने अस्पताल जाते थे, उनका हालचाल पूछते। कहते हैं ना, साहित्य और भाषा मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है, तो कमाल अमरोही और मीना कुमारी के बीच उर्दू की समझ ने एक पुल का काम किया और फिर शेरो शायरी ने दो दिलों को जोड़ दिया। एक से बढ़कर एक फिल्म करने वाली मीना कुमारी फिल्म तमाशा के सेट पर कमाल अमरोही से मिली थी। इन दोनों को मिलवाया था मशहूर अभिनेता अशोक कुमार ने। धीरे धीरे इन दोनों में प्रेम हो गया। तीन बच्चों के पिता कमाल अमरोही ने मीना जी से गुपचुप शादी रचा ली। हैरत यह की इसकी खबर ना तो मीडिया को थी और ना ही मीना जी के पिता को। कहते हैं ना, प्रेम करना तो आसान है मगर उसे निभाना बहुत मुश्किल। मीना जी जिस पारंपरिक नारी का किरदार निभाते हुए हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस बनी थी, उसी परंपरा को उन्होंने अपने जीवन में तोड़ा। वे एक आधुनिक भारतीय नारी थी जिसके बराबर पहुंचना आज भी किसी के लिए आसान नहीं है। कमाल साहब यह जानते थे, फिर भी उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग जारी रखने के लिए अपनी दो शर्तें रखी। पहली यह कि उनके मेकअप रूम में कोई नहीं जाएगा और दूसरी यह कि वे शाम 6:30 बजे तक अपनी गाड़ी से वापस घर लौट आएंगी। मीना जी ने यह दोनों शर्तें मान ली। लोग कमाल अमरोही को उनके पति के रूप में जानने लगे। उन दिनों मीना जी की प्रसिद्धि चरम पर थी, जबकि कमाल साहब चाहते थे कि मीना उनके नाम से जानी जाए, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। एक तो मीना जी का अपना अंदाज और दूसरा उर्दू लिटरेचर से अनुराग। शराब और शायरी उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। बचपन का संघर्षमय जीवन और जवानी में सच्चे प्रेम के अभाव ने इन्हें गम के समंदर में डुबो डाला था। फिर कमाल साहब के साथ शर्तों में बंधी जिंदगी से वे उकता गई थी। कमाल साहब अपने सेक्रेटरी से उनकी जासूसी भी कराने लगे थे, जिससे मीना जी बहुत आहत थी। इससे उन दोनों के बीच संबंध बिगड़ते चले गए। कहते हैं कि कमाल अमरोही के असिस्टेंट ने मीना कुमारी पर उस समय हाथ उठा दिया जब उन्होंने गुलजार को अपने मेकअप रूम में आने की इजाजत दी थी। इस घटना की शिकायत करने के लिए मीना जी ने कमाल साहब को सेट पर बुलाया, मगर वे आए नहीं। कितनी अजीब बात है कि फिल्म तमाशा के सेट पर पहली मुलाकात के बाद परवान चढ़ी। इन दोनों की प्रेम कहानी फिल्म इंडस्ट्रीज में तमाशा बनकर रह गई। विनोद मेहता की लिखी बायोग्राफी में जिक्र है कि कमाल साहब मीना जी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे। उनकी को स्टार नरगिस ने उन्हें रात रात भर रोते देखा। एक दिन ऐसा भी आया जब मीना कुमारी ने बोझ बन गए इस वैवाहिक रिश्ते को तोड़ दिया। फिर दोनों ने पलट कर एक दूसरे को देखा भी नहीं। इस घटना ने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया था। एक के बाद एक फिल्में करते हुए मीना जी शायरी में डूबी रहती। उन्होंने अपनी एक साहित्य मंडली बना रखी थी जिसमें गुलजार साहब, सावन कुमार और धर्मेंद्र भी जुड़े थे। इन सब की रुचि उर्दू और शायरी में थी। दिलचस्प यह कि इन तीनों का मीना जी ने भला किया। बतौर युवा निर्देशक गुलजार के लिए उन्होंने फिल्म मेरे अपने में भूमिका निभाई। सावन कुमार की उन्होंने आर्थिक मदद भी की। फिल्म गोमती किनारे के निर्माण के लिए अपना बंगला तक बेच दिया। वहीं धर्मेंद्र की पहले फिल्म
फूल और पत्थर के लिए उनके साथ काम करना कबूल किया, जबकि उस समय मीना जी हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस थी। फूल और पत्थर धर्मेंद्र के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अभिनेता प्रदीप कुमार से भी उनका जुड़ाव रहा। मीना जी अपने जीवन में अधूरे प्रेम, काम का दबाव और बिखरते संबंधों के कारण भीतर से टूट गई थी। उन्हें नींद भी नहीं आती थी। हालत यह हो गई थी कि वे दिन में भी नींद की गोलियां लेती थी। 1963 में उनके डॉक्टर ने इसके बजाय ब्रांडी का छोटा पैग लेने की सलाह दी। बदकिस्मती से यह सलाह मीना कुमारी के लिए जानलेवा साबित हुई। वे कमाल साहब से अलग होने के गम में दिन रात शराब के नशे में डूबी रहती। 1968 में उन्हें लिवर सिरोसिस हो गया, जिसका इलाज कराने के लिए उन्हें विदेश जाना पड़ा। थोड़ी ठीक हुई तो अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान देना शुरू किया और एक के बाद एक कई फिल्में की, जिनमें सात फेरे, दुश्मन, गोमती किनारे और मेरे अपने हैं। फिल्म पाकीजा ने तो इतिहास रच दिया। उन्होंने पहली बार बांद्रा में लैंडमार्क बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर अपने लिए घर खरीदा। 3 फरवरी 1972 पाकीजा का ग्रैंड प्रीमियर मराठा मंदिर थिएटर में रखा गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी मीना कुमारी जी ने अपने पति कमाल अमरोही के साथ पूरा प्रीमियर देखा। पूरी फिल्म देखने के बाद उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पति बेहतरीन फिल्म मेकर हैं। इस फिल्म के लिए मीना कुमारी को स्पेशल अवार्ड भी दिया गया और यह उनका आखिरी फिल्म फेयर नॉमिनेशन था। पाकीजा के रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद ही 28 मार्च 1972 को मीना कुमारी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और 31 मार्च 1972 को, यानी मात्र 3 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। महजबीन बानो सदा के लिए सो गई। सबका भला करने वाली सिंड्रेला ने सबको अलविदा कह दिया। भारतीय डाक विभाग ने 13 फरवरी 2011 को मीना कुमारी इसके स्मृति में डाक टिकट जारी किया। वहीं गूगल ने 2018 में मीना के जन्म दिवस पर डूडल बनाकर उनके प्रति सम्मान जताया। मीना जी ने मात्र 33 साल के करियर में 92 फिल्में की, जिसमें साहब बेबी और गुलाम, बैजू बावरा, परिणीता, दिल अपना और प्रीत प्राई, दिल एक मंदिर, फुटपाथ, काजल और पाकीजा उनकी यादगार फिल्में हैं। 4 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कराने वाली मीना जी के लिए बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने उनके बारे में कहा था कि मीना कुमारी जैसा कोई नहीं हो सकता। दर्द भरी दास्ता की बेमिसाल नायिका को हमारा शशत नमन। रेड नेटवर्क के लिए दिल से ईशा। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।